डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, कोरोना महामारी के कारण लगातार तीसरे साल क्रिसमस और नए साल के जश्न में खलल पड़ने की आशंका प्रबल हो गई है। स्टॉप कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और पहले से मौजूद डेल्टा ने मिलकर फिर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि पाबंदियों का नया दौर शुरू हो गया है। स्टॉप दिल्ली सहित कई राज्यों ने इस जश्न में जमावड़े पर पाबंदी लगा दी है, तो कई ऐसा करने पर विचार कर रहे हैं। स्टॉप केंद्र ने भी स्थानीय स्तर पर पाबंदियां लगाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्टॉप विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह कहना ठीक है कि एक व्यक्ति की भी मौत रोकने के लिए जश्न पर पाबंदी को उचित ही माना जाना चाहिए। स्टॉप अच्छी बात सिर्फ यह है कि भारत में 60% आबादी को कोरोना टीके की दोनों खुराक लग चुकी है और नई लहर के ज़्यादा खतरनाक असर की आशंका अभी कम बताई जा रही है। स्टॉप वैज्ञानिकों के एक वर्ग का मानना है कि ओमिक्रॉन महामारी समाप्त करने वाला वेरिएंट साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तेजी से यह फैल रहा है उतनी ही तेजी से इसकी मारक क्षमता कम हो रही है। स्टॉप हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह मात्र सर्दी जुकाम की तरह हमारे बीच स्थायी रूप से रह जाए। स्टॉप दूसरी ओर वायरस का लगातार रूप बदलना यह सवाल भी पैदा करता है कि इसका आगामी स्वरूप कितना खतरनाक हो सकता है। स्टॉप इसलिए जब तक बीमारी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, हमें सावधान तो रहना ही होगा। स्टॉप इसीलिए विशेषज्ञ लगातार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और टीके पर जोर दे रहे हैं। स्टॉप कई विकसित देशों ने टीके की बूस्टर डोज शुरू कर दी है। स्टॉप हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत में भी इस पर कोई निर्णय हो जाए। स्टॉप बड़ी चिंता बच्चों को लेकर है। स्टॉप बच्चों के टीकाकरण पर भी अब सरकार को शीघ्र निर्णय करना होगा। स्टॉप ज़्यादातर स्कूल खुल चुके हैं। स्टॉप उन्हें फिर से बंद करने का मतलब ऐसे नुकसान से होगा जिसकी भरपाई संभव नहीं होगी। स्टॉप बीते 2 साल शिक्षा के लिहाज से बुरे गुजरे, खासकर गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए। स्टॉप संसद की स्थायी समिति ने भी इस बारे में रिपोर्ट दी है। स्टॉप समाज के डिजिटल बंटवारे को पाटने के लिए संसदीय समिति की सिफारिशों पर अमल होने में कितना समय लगेगा, कहा नहीं जा सकता। स्टॉप ऐसे में भौतिक कक्षाओं का फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। स्टॉप जरूरी है महामारी से डरे बगैर सावधानी बरतते हुए हम सामान्य कार्यकलाप जारी रखें। स्टॉप लेकिन जश्न समारोह या राजनीतिक जमावड़े पर रोक लगाना जरूरी है, क्योंकि संक्रमण बढ़ाने में इनकी भूमिका उत्प्रेरक की होती है, जिसका असर बाद में हमारे जरूरी कामकाज पर पड़ने लगता है। स्टॉप पैरा निःशुल्क शिक्षा के सरकारी दावों को
सरकारी मशीनरी ही नए नए तरीके निकाल कर हवा करने में जुटी है। स्टॉप, सरकारी स्कूलों में विकास शुल्क के नाम पर मनमानी वसूली की जा रही है। स्टॉप, स्कूलों में सुविधाएं जुटाने के नाम पर की जा रही यह वसूली भी अलग अलग स्कूल में अलग अलग है। स्टॉप, यह तो तब है जब सरकार की ओर से समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रत्येक स्कूल को नामांकन के अनुरूप फैसिलिटी ग्रांट के रूप में 1,00,000 रुपए तक दिए जा रहे हैं। स्टॉप पैरा, स्कूलों में सुविधाएं जुटाने के लिए स्कूल विकास समिति के जरिए एकत्र किया जा रहा यह शुल्क आम अभिभावकों पर भार है। स्टॉप, कहने को यह विद्यालय विकास समिति की ओर से तय शुल्क है, लेकिन इसके निर्धारण में सभी अभिभावकों की सहमति नहीं होती है। स्टॉप, कई अभिभावक कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण शुल्क देने की स्थिति में नहीं होते, कॉमा, लेकिन उन्हें इसके लिए बाध्य होना पड़ता है। स्टॉप, देखने वाली बात यह भी है कि विद्यालय विकास शुल्क से 71 कोष से विद्यालय का क्या और कैसा विकास किया जा रहा है। ? जो सुविधाएं विकसित की जा रही हैं वे विद्यार्थियों के लिए लाभकारी हैं या नहीं। ? पैसा कहीं ऐसे कार्यों में तो व्यय नहीं हो रहा जिसका कि बच्चों की पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है। ? विकास शुल्क के रूप में की जा रही मोटी वसूली सरकारी और निजी स्कूलों के अंतर को पाट देती है और सरकारी स्कूलों को भी निजी स्कूलों की श्रेणी में ही ला खड़ा करती है। स्टॉप, विकास के नाम पर की जा रही इस वसूली को तत्काल बंद किया जाना चाहिए। स्टॉप, अक्सर विद्यालय प्राचार्यों का इस संबंध में तर्क होता है कि शुल्क विकास समिति द्वारा तय किया गया है और इसमें अभिभावक भी शामिल हैं जो कि अपनी मर्जी से शुल्क चुका रहे हैं। स्टॉप, स्पष्ट है कि शुल्क से तात्पर्य उस राशि से ही है जिसका भुगतान सभी के लिए अनिवार्य हो। स्टॉप, विद्यालय विकास समिति को विद्यालय के विकास के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए समाज का सहयोग लेना चाहिए और ऐसा सहयोग स्वैच्छिक होना चाहिए। स्टॉप, किसी भी प्रकार का शुल्क निर्धारित कर प्रत्येक विद्यार्थी के अभिभावक से उसकी वसूली सरकारी स्कूलों की मूल अवधारणा के विपरीत है। स्टॉप, विकास समिति अपने स्तर पर भामाशाहों से संपर्क कर कोष जुटाएं, कॉमा, न कि अभिभावकों पर अनुचित भार डालें। स्टॉप, सरकार को तत्काल विद्यालयों में विकास शुल्क की वसूली पर रोक लगाकर अनुचित तौर तरीकों के प्रति रुख स्पष्ट करना चाहिए। स्टॉप पैरा, बीते दशकों में लैंगिक समानता के लिए विश्व भर की सरकारों ने अनेक नीतियां बनाई, कॉमा, फिर भी ये नीतियां अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं दे पाई। ? दरअसल असमानता का प्रश्न सामाजिक है, कॉमा, तो इसका निराकरण भी समाज से ही निकलेगा। स्टॉप, इसी दिशा में केरल के कोझिकोड के सरकारी स्कूल ने छात्र छात्राओं के लिए एक जैसी यूनिफॉर्म लागू की है। स्टॉप, इस निर्णय के गहरे निहितार्थ हैं। स्टॉप, शताब्दियों से विद्यालयों में वेशभूषा का अंतर लैंगिक असमानता का पोषण करता आया है। स्टॉप, यही नहीं, यूनेस्को बेसिक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट ने यह दावा किया भी था कि स्कूली पाठ्यक्रमों में आधी आबादी को कमतर
आंका जाता रहा है और पुरुषों की तुलना में महिलाओं की छवि हल्की रखी जाती रही है। स्टॉप। उदाहरण के तौर पर पुरुषों को डॉक्टर तथा महिलाओं को नर्स के रूप में दिखाया जाता रहा है। स्टॉप। महिलाओं को केवल भोजन कौमा फैशन या मनोरंजन से संबंधित विषयों में दिखाना लैंगिक असमानता को बढ़ावा देना है। संपूर्ण विराम।